वेरी वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड ऑफ द होल टीम. और फिल्म से जुड़ के कैसा लग रहा है? सी, इट्स ए के बीर प्रोजेक्ट, सो आई मीन मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई ऐसा होगा जो जुड़ के एकदम ज़्यादा खुश ना हो, हैप्पी ना हो. सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस प्रोजेक्ट. एंड कहानी भी ऐसी है, लाइक इट्स अ स्टोरी अबाउट जो साइकोलॉजिकल जर्नी होती है कैरेक्टर की, वो है रादर देन जो आपके साथ सर्कमस्टेंसेस होते हैं. तो इट्स अ वेरी डिफरेंट प्रोजेक्ट, और डिफरेंट बोलने के लिए नहीं है, इट्स अ जर्नी विद इन, जो किताबों में पढ़ने में अच्छी लगती है पर उसको जब सिनेमा में दिखाया जाता है एज अ फिल्म, इट इज़ अ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट थिंग टू डू एक्चुअली, एंड दैट्स व्हाट वी हैव अटेम्प्टेड फॉर दिस फिल्म. सो वेरी वेरी हैप्पी. डेफिनेटली एक आर्टिस्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना डिफरेंट कैरेक्टर करेंगे उतनी अच्छी उनकी एक्टिंग क्वालिटी पता चलेगी. और जैसे कि हमने बीर सर के साथ काम किया है, तो मेरा कैरेक्टर बहुत ही चैलेंजिंग था, जिसमें मैं दो कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ. तो एक कैरेक्टर जो है बहुत ही हम्बल है, बहुत ही स्वीट कैरेक्टर है, और दूसरी बहुत ही लाइवली कैरेक्टर है. तो दोनों कैरेक्टर को प्ले करने में मुझे बहुत ही मज़ा आया. और बाकी जैसे डायरेक्टर का गाइडेंस था, और उन्होंने जैसे हमें स्टोरी नैरेट किया था, तो उस हिसाब से बहुत ही मज़ा आया काम करने में. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा. और लेकिन कभी कभी ना हमें जंगल में डर भी लगता था, क्योंकि वहाँ बाघ चीते वगैरह बहुत थे आसपास, तो उसके लिए वॉचर वगैरह छोड़े हुए थे. और बाकी मैं कहना चाहूँगा कि मेरे लिए ये फिल्म मिलना सोने पे सुहागा वाली बात हो गई. एक तो फर्स्ट फिल्म और सेकंड लीड, और ऊपर से एक बीर सर के साथ, और ऊपर तो से शेर और चीते. हाँ. एक साइकोलॉजी का स्टूडेंट है शांतनु, और उसकी लाइफ की जो जर्नी होती है, बट जर्नी विद इन हिज माइंड, एज आई सेड बिफोर एज वेल, इट्स अ जर्नी विद इन, उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, व्हाट ही इज़ गोइंग थ्रू, उसके बाहर सर्कमस्टेंसेस जो हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली, उसके दिमाग में व्हाट इज़ हैपनिंग, हाउ ही इज़ रिस्पॉन्डिंग टू इट, एंड ही मेक्स सर्टन डिसीजन इन हिज लाइफ के दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस दैट्स गोइंग ऑन. देन समथिंग हैपन्स विद इन हिज हेड, एंड देन ही डिसाइड्स टू डू समथिंग एल्स. सो बेसिकली दैट्स एज मच एज आई कैन टेल यू राइट नाउ. बट व्हाट आई कैन टेल यू दैट इंटरेस्ट यू, कि ये एक ऐसी कहानी है जो अब तक पर्दे पर नहीं आई है, बिकॉज आपने शायद किताबों में पढ़ी हो, लेकिन पर्दे पर अभी तक मैंने ऐसी साइकोलॉजिकल कहानी देखी नहीं. सो दैट्स व्हाट दिस फिल्म इज़ अबाउट. ये फिल्म एनीथिंग, देखिए मेंटल बैटल जो होता है बहुत आजकल, मैं सोशल मीडिया भी पढ़ता हूँ कि मेंटल अवेयरनेस होनी चाहिए आपको. समबडी इज़ फीलिंग डिप्रेस, समबडी इज़ अनहैप्पी विद द लाइफ, ट्राई एंड हेल्प देम. एंड दिस फिल्म इज़ एग्जैक्टली रिफ्लेक्टिंग ऑन दैट पॉइंट, कि वॉट इज़ गोइंग थ्रू योर हेड. और जब आपके लाइफ में कोई और होता नहीं है, तो आप डिसीजन अपने हिसाब से लेते हैं, बट समहाउ आपकी अंतरात्मा जो होती है वो आपको एक पॉइंट पे जाके रोक लेती है कि नहीं नहीं तू जो कर रहा है वो शायद सही नहीं है. सो कहाँ पर ब्रेक लगानी है, कहाँ पर आपको आगे बढ़ना है, दैट्स व्हाट द फिल्म इज़ अबाउट एज वेल. एंड जो सुसाइड हो रहे हैं वो सब हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू मी आपके बहुत सारे, क्योंकि शांतनु ऐसा लड़का है जिसकी लाइफ में ज़्यादा लोग थे नहीं, पर अगर आपकी लाइफ में ज़्यादा लोग हैं तो ट्राई एंड सीक हेल्प, ट्राई एंड डिस्कस योर प्रॉब्लम्स विद पीपल, एंड मेक श्योर, क्योंकि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, तो मेक श्योर आप इतना इन्वॉल्व ना हो जाओ कि आप गलत डिसीजन ले लो. सुसाइड इज नॉट वर्थ इट. आई थिंक सिर्फ फिल्म इज मास के लिए है, बट इंटेलेक्चुअल मास के लिए है. जो नॉर्मली ऑडियंस जो चाहते हैं कि हमें नाच गाना 2 आवर्स का पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज मिले, तो वो नहीं है इस फिल्म में. ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल फिल्म है. जैसे इस फिल्म का कंटेंट ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो जो कंटेंट देखना चाहते हैं और जो समझना चाहते हैं, तो उनको इस फिल्म में मिलेगी. नहीं नहीं, डर नहीं लगा. मैंने बताया ना कि सपना डजंट हैव सपना. ऊपर से जो इनका पावर है एज अ को प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, शी इज़ नेवर अब्यूज द पावर. वो कभी भी आपको ऐसा नहीं लगता कि उसको कुछ बोलूँगा तो डर मतलब कुछ बोलेगी कुछ है. उल्टा बहुत ही, जो बोलते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप स्वाभाविक तरीके से बात कर सकते हैं, आप कोई हेजिटेशन नहीं होती कि इनकी यार ये ऐसा बोल देगी वैसा बोल देगी, तो शी इज़ वेरी ईजी गोइंग पर्सन, तो कभी डर नहीं लगा. देखिए, इस फिल्म का मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कंसल्टेंट हूँ मैं, और मेरी जिम्मेदारी थी कि इस फिल्म को कांस में स्क्रीनिंग हो. इस फिल्म की फिल्म मैंने देखी पहले, और जब मैंने फिल्म देखी तभी तय कर लिया था कि ये फिल्म एक्चुअली फेस्टिवल में बहुत सराही जाएगी, लोगों को बहुत पसंद आएगी. इसी कारण हमने उस सारी प्रोसेस को फॉलो किया, जिसके कारण कांस में स्क्रीनिंग होती है, और 21 मई को 6 बजे Grade 3 नाम का जो ऑडिटोरियम है उसमें इसकी स्क्रीनिंग होगी, और उससे हम काफ़ी एक्साइटेड हैं. हमको मालूम है कि ये फिल्म कांस में लोगों को बहुत पसंद आएगी,
और उस फिल्म की कांस की स्क्रीनिंग के लिए आज का ये अनाउंसमेंट का एक सेलिब्रेशन मुझे करना था, जहां हम वो प्रेस को बताना चाहते थे कि ये हमारी एंट्री है उस बड़े प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल में, और जब 21 को वहां पर ये फिल्म दिखाई जाएगी, जहां पर इंडियन पेविलियन के अपने लोग हैं, जहां पर प्रेस रहेगी, इंटरनेशनल प्रेस रहेगी, तो उसके बाद जो रिएक्शन रहेगा वो मुझे लगता है बड़ा पॉजिटिव रहेगा। हम जितने स्ट्रगल से फिल्म बनाते थे और जो हमें लगता था कि इतना मेहनत का बाद जरूर ऐसा एक फिल्म बनेगा जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जाएगा, बात करते करते सार का दिमाग में आया था, तो सर ने ही बोला था कि ये इसको हम अंतर्ध्वनि ही रखेंगे। सर जो 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 स्टारकास्ट लिए, सब ने बहुत मेहनत की है ये करने के लिए, और हम खुश हैं कि हम जो चाहते थे इसी तरह का एक मूवी बना है। अभी इसको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जा रहा है, तो लोग देखेंगे और इंटरनेशनली इसका तय करेंगे कि फिल्म कैसा बना है, क्यों बना है, कैसे बना है।